भिलाई नगर निगम के वार्ड 5 के 4 जोन मॉडल टाउन कोसानगर अटल आवास बॉम्बे आवास के लिए आज विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इन जोनों में 45 लाख की राशि से सड़क डामरीकरण एवं अन्य विकास कार्यों को किया जाना है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, प्रभारी एवं मेंबर एकांश बंछोर, पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी एवं अन्य मेंबर उपस्थित हुए। इस दौरान वार्ड पार्षद MIC मेंबर संदीप निरंकारी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने विगत 3.5 वर्षों से क्षेत्र के विकास के प्रति फंड दे रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब जहां फंड की जरूरत होगी राज्य शासन उसको पूरा सहयोग करेगी। पार्षद संदीप निरंकारी और सुपेला कोका ब्लॉक के उपाध्यक्ष राजेश कुमार साहू ने इस दौरान भिलाई नगर निगम के मेयर नीरज पॉल के सहयोग के लिए आभार जताया। आज 45 लाख का वर्क ऑर्डर जो है वो पूरे मेरे वार्ड नंबर 5 में डामरीकरण के लिए हुआ है। आज जिसका भूमि पूजन हम लोगों ने किया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मुकेश चंद्राकर जी और PWD प्रभारी MIC के मेंबर जो हैं वो एकांश बंछोड़ जी, पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी जी और अन्य MIC के मेंबर उपस्थित हुए उसमें। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार जब से 3.5 साल से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार वो क्षेत्र के विकास के प्रति फंड दे रहे हैं और काम करवा रहे हैं और हम लोग को भी निर्देशित कर रहे हैं कि हम जगह जगह अपने वार्डों में जाएं, लोगों की समस्याओं को देखें, समझें और उस हिसाब से काम करवाने की कोशिश करें। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जितने फंड की कमी होगी राज्य शासन उसको पूरा करेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मॉडल टाउन का डामरीकरण डॉक्टर नीता शुक्ला जी नीता नेत्रालय जो है वो नेत्रालय के सामने वाली रोड, अटल आवास के ये सामने वाली रोड जो है, ये सारी रोडों का आज डामरीकरण शुरू हुआ है। और उसके लिए मैं हमारे मेयर माननीय नीरज पाल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। पैसा तो पहले से देवेंद्र भाई और क्या बोलते हैं ने स्वीकृत कराया था, वो पैसा था। और देवेंद्र भाई का भी आभार करता हूँ, माननीय नीरज पाल जी का भी आभार करता हूँ कि वो अधिकारियों से सतत टच में रह के हम वार्ड पार्षदों को साथ लेके वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जितने भी काम स्वीकृत हुए हैं उनके जल्दी से जल्दी टेंडर करवा कर उन कामों को यथाशीघ्र बारिश से पहले उसको भरा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो है वो पैचवर्क का पूरे 4 जोन का उन्होंने निकाला, जहाँ जगह जगह पैचवर्क हुआ। मेरे वार्ड में भी कुछ जगह पैचवर्क हुआ और मेरे वार्ड में स्वीकृत था पैसा पहले से, और उस पैसे से अभी सब जगह डामरीकरण जितना हो सकता है वो हम लोग करवा रहे हैं। और इसके लिए मैं नीरज पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज भिलाई निगम के अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा में ये वार्ड 5 में लगभग 45 लाख की लागत से सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ किए हैं। ये जो है हमारे महापौर जी, विधायक जी और वार्ड के पार्षदगण निरंतर इसमें दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भी कोई भी कार्य करने से पहले पूजन किया जाता है, उसी के तहत ये कार्य प्रारंभ करने से पहले पूजन करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं वार्ड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उनके वार्ड में 45 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण का कार्य होने वाला है। ये मद अधोसंरचना मद से ये पैसे स्वीकृत हुए हैं और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही हमारे बड़े भाई वार्ड पार्षद संदीप निरंकारी जी, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी और महापौर नीरज पाल जी, विधायक देवेंद्र यादव जी, सभी के सहयोग से ये कार्य हुआ है। सभी को मेरी तरफ से बधाई और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम सब मिलकर और विकास करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में मॉडल टाउन, कोसानगर, बॉम्बे आवास, अटल आवास, इन सब जगहों को मिला के बहुत सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। और जब से हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने जन समस्याओं और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए संवेदनशील होकर काम करना शुरू किया है। और ये लगातार सतत प्रक्रिया है। पहले जो हमारे महापौर रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इन सब चीज़ों पे काम किया और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे वार्ड के पार्षद और MIC मेंबर संदीप निरंकारी जी के नेतृत्व में ये विकास कार्य हो रहा है और इससे जनता में एक बहुत खुशी और संतोष की लहर है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट।